आपके अपने चैनल आप आइए इसमें। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि भासवान कमेटी की रिपोर्ट क्या थी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीति आयोग की स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। मित्रों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो नीति आयोग ने रिकमेंडेशन दी है वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए है। देखिए सिविल सर्विसेज की जो रिफॉर्म की बात की जा रही है उसके अंतर्गत नीति आयोग क्या कहता है, ये इसके 38th चैप्टर में जो है नीति आयोग ने गवर्नेंस के अंदर जो है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात कही है। अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया में नीति आयोग ने आखिर बात क्या कही है। देखिए मित्रों ऑब्जेक्टिव्स में नीति आयोग ने कहा है कि इंडिया के अंदर सेकेंड ERC कमीशन के अलावा बहुत सी रिपोर्ट्स ने ये कहा था कि जो है आपको सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की ज़रूरत है, पर ये रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक नहीं मानी गई हैं। तो इसको लेके नीति आयोग ने कहा है इसमें मल्टी स्टेक होल्डर फीडबैक परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, यानी कि जिसके अंतर्गत व्यक्ति और स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, फॉर एग्जाम्पल अन्य लोगों से जो है आपको क्या फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो है आपको अप्रेजल मिलना चाहिए, ना कि आपको अप्रेजल ऐसे ही मिल जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है बल्क में जो आपने रिक्रूटमेंट की हुई है उसको आप कम कीजिए। देखिए हम आप जानते हैं कि इसमें जो कंस्ट्रेंट्स नीति आयोग ने बोले हैं वो कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं। देखिए इसके डेवलपमेंट में बहुत सारे कंस्ट्रेंट नीति आयोग ने कहा है, जैसे कि मिसमैच पोजीशन और स्किल सेट में ये एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का अर्थ अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मतलब बाधा। तो देखिए उसके अलावा जो है लेटरल एंट्री के लिए जो अपोजिशन है, देखिए लेटरल एंट्री में रिसेंट में गवर्नमेंट ने बहुत से 4 से 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं। तो गवर्नमेंट की नीतियाँ किस प्रकार से इस नीति आयोग के डॉक्यूमेंट से पे बेस्ड हैं और ये क्यों पढ़ना वो हो जाता है इम्पोर्टेंट, मैं आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो देखिए फोरकास्ट स्टाफिंग की ज़रूरत है सिविल सर्विसेज में और 5 ईयर रोलिंग बेसिस पे जो है इनको हटाया जाए, ये नीति आयोग का कहना है। और टैलेंट को अट्रैक्ट करना ये सबसे बड़ा जो है चैलेंज नीति आयोग ने अपनी डॉक्यूमेंट में बताया है। तो स्ट्रेटेजी फॉर 2022 और 23 के लिए जो है वो क्या रहनी चाहिए, सेकेंड ERC का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जो सेकेंड ERC है उसका रिकमेंडेशन जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है, मगर देखिए अब मेन उस पे आते हैं कि क्योंकि मैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वर्जन है। और नीति आयोग जो कि पूरे देश की सभी विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज फॉर्मुलेशन के लिए है मेन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो कहता है। तो देखिए टीट टू टेल रेशियो को बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी कि ऑफिसर ओरिएंटेड कल्चर, फॉर एग्जाम्पल मतलब कि अगर एक ऑफिसर है तो उससे काम भी उतना ही लिया जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी इन रिक्रूटिंग द प्लेसमेंट प्रोसेस, देखिए ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए किसमें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो कि UPSC कराती है। इसके अलावा देखिए नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट को रिड्यूस कर दीजिए, ये सबसे अहम बात उन्होंने कह दी है इशारों इशारों में। जो गवर्नमेंट का FRBM एक्ट जो है 2005 उसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या है फिस्कल प्रूडेंस की ओर बढ़ रही है। तो फिस्कल प्रूडेंस का अर्थ कि मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को करना और जो है अपने जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करते हुए आगे बढ़ाते हुए जो है आगे के दिनों में जो है फिस्कल डेफिसिट को कम लाना। तो देखिए 60+ सिविल सर्विसेज सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हैं, इनका रेशनलाइजेशन करते हुए इनको जो है टैलेंट के आधार पे कैडर एलोकेट करना चाहिए, ये नीति आयोग की रिकमेंडेशन है। इसके अलावा लेटरल एंट्री स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए नीति आयोग ने कहा है, जिसके लिए जो इसका मेन उद्देश्य क्या है। देखिए अगर लेटरल एंट्री स्कीम से जो है अगर कोई प्रोफेशनल स्किल्ड बंदा 3-4 साल के लिए अगर जो है गवर्नमेंट में आएगा तो वो डेडिकेटेड होके जो है काम करेगा,
मगर जो है आप देखिए इसमें दूसरा एस्पेक्ट भी है लोगों का जिन जिसमें लेटरल एंट्री स्कीम को उन्होंने अपोज किया है। लेटरल एंट्री स्कीम को अपोजिशन का कारण क्या है? देखिए मित्रों, लेटरल एंट्री स्कीम जो है उसका अपोजिशन का ये बेसिक कारण है कि इससे जो होता है अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो आपके लिए लॉयल नहीं रहेगा, वो तो हायर एंड फायर वाली पॉलिसी में आएगा कि 4 वर्षों के लिए मुझे आना है और उसके बाद वो छोड़ के चला जाएगा। मगर जो है एक सिविल सर्वेंट जो होगा वो गवर्नमेंट के प्रति ज़्यादा लॉयल होगा। नेचर स्पेशलाइजेशन करने की बात कही है सिविल सर्विसेज में, ताकि जैसे नेचर स्पेशलाइजेशन का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? देखिए नेचर स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जॉब का नेचर जो है स्पेसिफाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में एक आईएएस को मैं आप कह सकते हैं कि आलू है। आलू, मैं आलू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आलू को आप किसी भी सब्जी में डालिए तो वो कहीं पर भी फिट हो जाएगा। तो ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत से सिविल सर्वेंट से जब बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि आईएएस बनना है तो आलू बनना सीखो। आलू का अर्थ जो किसी भी सब्जी में डालें तो वो वहाँ फिट बैठ जाएगा। अब देखिए मेंटरशिप की ज़रूरत है किसकी? एनजीओ, यूथ ऑफिसर्स, इनकी मेंटरशिप के लिए एनजीओ और सबको आगे आने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है यूज़ होने की ज़रूरत है जिससे कि जो है सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, ई गवर्नेंस आए देश में और जो देश के नागरिक हैं उन तक G2G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से सिटीजन और सिटीजन से गवर्नमेंट का इंटरेक्शन जो है वो पूरा हो सके। हायरिंग पॉलिसी में देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 27 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए देखिए फेज्ड मैनर में कहे ही है यूपीएससी ने के लिए बात कही है। किसने? आपकी नीति आयोग ने, जो कि गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कैडर को जो है स्ट्रेंथन करने की बात कही है, मतलब देखिए भविष्य में जो है इसमें अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाएंगी। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने की बात कही है नीति आयोग ने, और आउटसोर्स सर्विस करने की बात कही है। मतलब कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? एक कंट्री यहाँ है, अगर आपको चीपर यहाँ से ज़्यादा दूसरी जगह मिल रहा है तो आप सर्विस आउटसोर्स कर दीजिए। ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको रिओरियंट करने की ज़रूरत है, और मिड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को जो है सर्विसेज के वो रिओरियंट करने की ज़रूरत है। लेवरेज ऑनलाइन एवेन्यूज के लिए बढ़ाने की ज़रूरत है ये बोला है, और प्री और पोस्ट पोस्टिंग के जो स्किल जो है उनको डिटरमाइन करना चाहिए। कैसे? प्री और पोस्ट पोस्टिंग के पोस्ट ट्रेनिंग के बाद जो है स्किल्स उन वही जो आपकी पोस्टिंग होंगी उनको डिटरमाइन करना चाहिए। कैसे कि मान लीजिए अगर मेरी ट्रेनिंग से पहले मेरी शूटिंग में जो है रुचि थी और मैं पोस्टिंग के बाद मैं शूटिंग में एक्सपर्ट हो चुका हूँ तो मेरे को स्पेशलाइजेशन जो है वो आईपीएस कैडर में शूटिंग वाले ब्रांच में मिलना चाहिए। इसके अलावा देखिए डिजिटलाइज ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड अक्रॉस द स्टेट, आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा डेवलप कंपिटेंसी मैट्रिक्स, देखिए कंपिटेंसी मैट्रिक्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही है। जिस प्रकार से मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है आपकी परफॉर्मेंस लेवल क्या था, आपका इस ईयर में आपने आप टास्क कितने दिया, आपने परफॉर्म क्या किया, लोकल लेवल पे फीडबैक लेने के बाद आपका जो है अप्रेजल किया जाए। इंस्टीट्यूट एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, मिड कैरियर एग्जाम, प्रिपेयर हैंडबुक फॉर स्किल ओरिएंटेशन। तो देखिए इसके अलावा क्या है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो मल्टी स्टेक होल्डर फीडबैक, जैसे कि पहले क्या होता था सीनियर के आधार पे जो है आपका प्रमोशन हो जाता था, मगर मल्टी स्टेक होल्डर का अर्थ है कि आप गवर्नमेंट से भी पूछेंगे, आप पब्लिक से भी पूछेंगे, आप सीनियर ऑफिशियल से भी पूछेंगे, तो एक सेक्टर आप पॉलिटिशियन से भी पूछेंगे, तो एक स्टेक होल्डर जो है वो आपका कैरियर जो है वो बर्बाद या आबाद नहीं कर पाएगा। इसमें जो होगा आपका कैरियर सोलली किस पर डिपेंड करेगा, आपका काम किस क्या है। इंस्टीट्यूट गोल सेटिंग एंड ट्रैकिंग, आपके लिए गोल बनाए जाएं और गोल ट्रैक करें। इंसेंटिवाइजेशन मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए। अब देखिए कंपलसरी रिटायरमेंट जो है जो ओवर परफॉर्मिंग ऑफिसर्स हैं, देखिए ओवर परफॉर्मिंग का मतलब जो कई बारी होता क्या है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप जो है वहाँ दामाद बन के रहने लग जाते हैं, मगर सरकारी जो आपको तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सिटीजन सेंट्रिक फ्रेमवर्क होना चाहिए इंक्लूसिव पॉलिसी में। देखिए आपको मैं ये बता दूं कि ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ रिकमेंड हो चुकी हैं। देखिए
जो आपका रिक्रूटमेंट में हम बात कर रहे हैं, लेटरल एंट्री में गवर्नमेंट ला चुकी है कि लेटरल एंट्री जो है वो अभी अभी गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट कर दी है। उसके अलावा देखिए, जो सर्विस डिलीवरी आउटसोर्सिंग की बात है वो रेलवे में ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। इसके अलावा देखिए, जो हायरिंग पॉलिसी है वो बदलने के ऊपर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। आईटी के ऊपर देखिए, आईटी की जो है स्केल अपस्केल कर दी है, चाहे ई नाम हो चाहे अन्य पोर्टल हैं। आज सी टू जी यानी कि सिटीजन टू गवर्नमेंट टू सिटीजन जो है सर्विसेज आज पहुंच रही हैं। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरा यही सुझाव रहेगा कि नीति आयोग की पूरी रिकमेंडेशंस, जितनी भी रिकमेंडेशन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके चैप्टर्स कितने हैं। देखिए, इसके टोटल चैप्टर्स जो हैं आपके, एक सेकंड देखिए, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है इसमें, पहला चैप्टर है ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूजन, तीसरा गवर्नेंस। देखिए, ये सभी जो हो जाते हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए ही, ग्रोथ के ड्राइवर, फाइनेंशियल डबलिंग, फार्मर इनकम, ये सभी जो है हॉट टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपको जो है अपडेट करते रहेंगे, और ये डॉक्यूमेंट हम आपके लिए अपडेट कर रहे हैं अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों जगह। तो आप इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और पाइए सबसे पहले IAS, IPS और सिविल सर्विसेज के अपडेट्स।